हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मृति। स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्मृति डॉट डोगो ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग के साथ साथ मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइए, कुछ नहीं बताते हो, कैसा वीडियो मेरा रहता है, कैसा नहीं रहता, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, तब ना मैं उसी तरह से बनाऊंगी। और आज मैं दिखा रही हूँ, आज मैं नया कुछ सब्जी बनाने जा रही हूँ, मतलब नया नहीं, लेकिन मैं कभी कभी बनाती हूँ। और आज भी मैं बनाने जा रही हूँ, देखिए दिखा दे, आज मैं केला की सब्जी बना रही हूँ, आप लोग भी बनाकर खाइए। आज आप लोग को नया तरीका से मैं बना रही हूँ, बता रही हूँ बनाकर कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। और मेरे को तो मेरे पास 4 केले हैं कच्चे, और मैं उसी को आज सब्जी बना रही हूँ। मेरे को बहुत, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है, और लोग को तो घर में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं बना रही हूँ आज दूसरे तरीका से, देखते हैं कि लोग को आज खाने में कैसा लगेगा। और यहाँ देखिए, मैं कुकर में आज, मतलब 2-3 सीटी लगा कर, 1-2 सीटी मतलब लगा कर, मेरे पास 2 और 2 4 केले हैं। चारों को आज ऐसे, मतलब बहुत लोग कच्चा में ही छील कर बना देते हैं सब्जी, लेकिन मैं उस तरीका से नहीं बना रही हूँ। मैं जा रही हूँ आज केले को बॉयल करके बनाऊँगी। यहाँ दिखा देती हूँ, इसको बॉयल करने के लिए चढ़ा देते हैं। अब इसमें गैस को ऑन किए, आज इसी के चलते मैं बोल रही हूँ कि मैं नए तरीका से आज बना रही हूँ। देखिए गैस पर चढ़ा दी है। आज ना फ्रेंड्स, मतलब ये इसको आज बॉयल करके बनाएंगे, मतलब ये सीटी इसको लगा देंगे कुकर में, बॉयल हो जाएगा, तब उसके बाद मसाला वसाला फ्राई कर तब उसके बाद बनाऊंगा। क्योंकि ना इस तरह से एक बार तो मैं बनाई थी, इस तरह से अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह से मतलब ना इसका टेस्ट अलग हो जाता है। आप लोग भी ज़रूर इस तरह से सब्जी बनाइएगा, मतलब कच्चा में उसको ऊपर से छिलका उतर के इस तरह से मत बनाइएगा। मतलब लोग तो बहुत लोग उसी तरह से बनाते हैं, लेकिन इस तरह से आप लोग बनाकर खाइएगा ना, तो इसका टेस्ट अलग रहता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो भाई अच्छा लगता है, अब आप लोग को तो, आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं, कमेंट में जरूर करके बताइएगा। और देखिए मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ना इसमें कर लेती हूँ, इसमें देखिए क्या है मेरे पास, दिखाती हूँ। प्याज है, देख लीजिए इस तरह से, देख लीजिए प्याज है, प्याज को डाल देते हैं। और लहसुन है, मतलब 4-5 कली है लहसुन का, ये डाल देते हैं। और एक हरा मिर्ची है, वो भी डाल देते हैं। इतना थोड़ा मिर्च, गरम मसाला सबको इसमें डाल देते हैं। इसमें मतलब ना हम साथ में ही, मतलब ये मैं इसको पीस देती हूँ, इससे क्या है कि मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। इसको फ्राई मतलब कर देंगे ना तेल में, अच्छा टेस्ट मतलब अच्छा आ जाता है, लेकिन इसको अच्छा से मसाला को फ्राई करना होगा, ताकि मतलब मेरा तेल जो है ऑयल बाहर मतलब ये छोड़ दे जो कढ़ाई है उससे। और इसके बाद इतना मैं ली हूँ, ज़्यादा नहीं, ये
दो तेज पत्ता है छोटा छोटा, एक दालचीनी का टुकड़ा और ये थोड़ा सा एक चुटकी ये जीरा है। इसको मैं मतलब उसमें फर्स्ट में जो तड़का लगाते हैं ना उसके लिए मैं इसको रख दी, और उसके बाद इसको मैं पीस लेती हूँ। और आज मैं मतलब फ्रेंड्स ये आज मैं ना इसमें टमाटर नहीं डालूंगी मैं मतलब केले के सब्जी में ना टमाटर नहीं डालती हूँ क्योंकि ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। उस जगह पे मैं आमचूर पाउडर को डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ उसमें, और क्या उसमें ना मतलब टेस्ट अच्छा लगता है। मेरे को मतलब केला की सब्जी में उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता है ये टमाटर डालने के बाद। अब मैं जा रही हूँ अभी तो इसमें लेट है, मसाला वसाला पीस के मतलब रख लेती हूँ और उसके बाद इसको सब्जी बनाऊंगी। तब तक मैं उस पे गैस पे चढ़ाती हूँ, देख लीजिए। और अभी फ्रेंड्स डुबो को आप मतलब वहाँ छोड़ के आए हैं स्कूल के लिए, अब जा रहे हो स्कूल चला गया। अब जल्दी जल्दी से पूरा घर में अभी सारा सामान पर इधर उधर बिखरा हुआ है, दिखाने के भी मन नहीं कर रहा है। आप लोग बोलिएगा कि इसी तरह से रहता है क्या, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वो जाता है स्कूल, उसके बाद मैं सारा काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को ही सब घर का भी काम करना रहता है। उसके बाद मैं जाती हूँ वहाँ स्टॉपेज लेने, थोड़ा यहाँ से मतलब मेरा घर से दूर पड़ता है। उसके बाद क्योंकि अभी पूरा काम बाकी है, सब पड़ा हुआ है, अभी बिल्कुल नहाए भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं धोए हैं, और एक दो बर्तन भी पड़ा हुआ है, मेरा बेड बिस्तर इसी तरह से है। तो सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं, इधर केला को भी बॉयल करके रख देते हैं, मसाला भी उसके बाद पीस लेती हूँ, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से अपना काम के निपटा लूँगी और उसके बाद जाऊँगी लेने अपने बच्चा को। उसके बाद फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स हाँ, ये बात एक बात ज़रूर बोलनी है आप लोग से कि आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ और देखिए एक सिटी आ भी है, अब जा रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।